सभी दोस्तों का बेस्ट स्टडी क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर आपके लिए एक नई क्लास, नए प्रश्नोत्तर लाए हैं। इस प्रश्नोत्तरों में हम आपको एग्री इन्फॉर्मेटिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कराएंगे। यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटा बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और साथ में वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे कि यह वीडियो आपके सभी दोस्तों के पास पहुँच सके और तो उनके लिए भी, उनकी परीक्षा के लिए लाभदायक साबित हो। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्नोत्तर की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। प्रश्न दो, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का खोज किस वर्ष किया था? तो इसका सही उत्तर है 1830 में। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का खोज 1830 में किया था। बढ़ते हैं प्रश्न तीन की ओर, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न चार की ओर, कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑथेंटिकेशन। कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति को ऑथेंटिकेशन कहते हैं। प्रश्न पांच, कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक कार्य के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर है फोरट्रैन। कंप्यूटर में फोरट्रैन भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक कार्य के लिए किया जाता है। प्रश्न छः, फोरट्रैन का पूर्ण रूप क्या है? फोरट्रैन का पूर्ण रूप फार्मूला ट्रांसलेशन है। फोरट्रैन का पूर्ण रूप फार्मूला ट्रांसलेशन है। प्रश्न सात, IPv6 एड्रेस में कितने बिट होते हैं? दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे आप कहीं पर नोट कर सकते हैं। IPv6 एड्रेस में 128 बिट होते हैं। प्रश्न आठ, प्रत्येक वर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नौ, कंप्यूटर में पेंटियम शब्द का संबंध किससे है? कंप्यूटर में पेंटियम शब्द का संबंध माइक्रो प्रोसेसर से है। किससे है? माइक्रो प्रोसेसर से है। प्रश्न दस, CD का पूर्ण रूप क्या है? CD का पूर्ण रूप कॉम्पैक्ट डिस्क है। प्रश्न 11, CTRL, ALT और Shift को कौन सी कुंजियां कहा जाता है? CTRL, ALT, Shift को कौन सी कुंजियां कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है मॉडिफायर कीज कहा जाता है। मॉडिफायर कीज कहा जाता है। किसे कहा जाता है? CTRL, ALT और Shift को। प्रश्न 12, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाने में किसका उपयोग किया जाता था? इसका सही उत्तर है वैक्यूम ट्यूब का। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाने में किया जाता था। प्रश्न 13, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? इसका सही उत्तर है 8 बिट। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न 14 की ओर, 4 बिट कितने निबल के बराबर होता है? इसका सही उत्तर है 1 निबल के बराबर होता है। 1 निबल में 4 निबल होते हैं, सॉरी 1 निबल में 4 बिट होते हैं। 1 निबल में 4 बिट होते हैं। प्रश्न 15, HTTP को किसका बैकबोन कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है WWW को। WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। HTTP को किसका बैकबोन कहा जाता है? तो इसे WWW का बैकबोन कहा जाता है। प्रश्न 16, कॉम्पैक्ट डिस्क
और किस अन्य नाम से जाना जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क को ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जानते हैं। ऑप्टिकल डिस्क को कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 17। वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है कंपाइलर। कंपाइलर या वह भाग है जो कि उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। प्रश्न 18। इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश या मेल को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ईमेल। इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश या मेल को ईमेल कहते हैं। प्रश्न 19। किसी भी बैंक में चेक को पढ़ने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है MICR। किसी भी बैंक में चेक पढ़ने के लिए MICR का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 20। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम को मदरबोर्ड कहा जाता है। प्रश्न 21। डगलस एंगलबर्ट ने कंप्यूटर के किस महत्वपूर्ण भाग की खोज किया था? इसका सही उत्तर है माउस की। प्रश्न 22। एंगलबर्ट ने माउस की खोज कब किया था? इसका सही उत्तर है 1963 से 64 के मध्य। प्रश्न 23। किसी शब्द को लिखते समय हमारी पोजीशन का पता किससे चलता है? इसका सही उत्तर है ब्लिंकर से। किसी भी शब्द को लिखते समय हमारे पोजीशन का पता ब्लिंकर से पता चलता है। प्रश्न 24। किसी चलते हुए कंप्यूटर या प्रोग्राम का अचानक से बंद हो जाना क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है क्रैश हो जाना। किसी चलते हुए कंप्यूटर या प्रोग्राम का अचानक से बंद हो जाना क्रैश होना कहलाता है। प्रश्न 25। किसी भी प्रोग्राम या चित्रीय रूपांतरण क्या कहलाता है? किसी भी प्रोग्राम का चित्रीय रूपांतरण क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट उसे कहते हैं जब किसी प्रोग्राम का चित्रीय रूपांतरण हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न 26 की ओर। पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है MS-DOS। पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है MS-DOS। प्रश्न 27। कंप्यूटर में क्या नहीं होने पर कंप्यूटर को बूट नहीं किया जा सकता? दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर में क्या नहीं होने पर कंप्यूटर को बूट नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑपरेटिंग सिस्टम। यदि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है तो आप कंप्यूटर को बूट कर सकते हैं, अगर नहीं मौजूद है तो आप कंप्यूटर को बूट नहीं कर सकते हैं, अर्थात कंप्यूटर को आप कभी भी स्टार्ट या ओपन नहीं कर सकते हैं। पढ़ते हैं प्रश्न 28 की ओर। जब कंप्यूटर पहले से चालू हो तो इसे रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यदि कोई कंप्यूटर पहले से चालू है तो इसे रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है बारम बूटिंग। क्या कहा जाता है? बारम बूटिंग। जब कोई कंप्यूटर पहले से चालू है तो उसे रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया को बारम बूटिंग कहते हैं। प्रश्न 29। इंटर प्रोसेस संचार क्या है? दोस्तों इंटर प्रोसेस संचार वह संचार है जो दो प्रक्रियाओं के मध्य होता है, अर्थात इसे ऐसे भी कहा जा सकता है दो प्रक्रियाओं के मध्य होने वाले संचार को इंटर प्रोसेस संचार कहते हैं। दोस्तों यह प्रश्न आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या है?
तो इसका सही उत्तर है डाटा स्ट्रक्चर। क्या है? डाटा स्ट्रक्चर को प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कहते हैं और शॉर्टकट में इसे पीसीबी भी कहते हैं। कई बार परीक्षाओं में इस प्रकार पूछा जा चुका है कि पीसीबी का फुल फॉर्म क्या है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पीसीबी का फुल फॉर्म प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ में अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटा बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।